जुनेद की शादी के सिलसिले में और नासिर भोलू साहब के घर आया था, जो रिश्ते में मेरे मामू लगते हैं। और ये घर जो है ये भोलू पहलवान साहब का घर है, मरहूम के जो ताया थे गामा पहलवान थे। और याद रहे कि मैं हिस्ट्री को लोगों की ठीक करता हूँ कि भोलू पहलवान रहमतुल्लाह ताला वो गामा पहलवान रहमतुल्लाह ताला के भतीजे भी थे और दामाद भी थे। और उनकी एलिया और हमारी जो नानो है वो और एक गुजरा वाले में नानो की बहन है, ये तीन बहनें थी जो गामा बाबा जी की बेटियां थी। आज मैंने इसलिए इसको रिकॉर्ड करवाया कि ये एक मुसलमान पहलवान की हिस्ट्री है। ये बड़े सगीर के वो नामवर पहलवान गुजरे हैं जिनको अल्लाह ने इतनी ताकत दी हुई थी। बकौल मेरे वालिद साहब, उन्होंने बड़ा स्टडी किया, बल्कि रिसर्च की थी गामा पहलवान साहब पे, और किताब लिख रहे थे ज़िंदगी के आखिरी अयाम में। वो मुझे बताया करते थे कि गामा पहलवान जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में जिन्नात से भी जोर करते थे। और ये जो उन्होंने लंदन में जाकर बेल्ट हासिल की, 1910 में हासिल की थी, जब वो यहाँ से लंदन गए जुबिस्को के साथ कुश्ती से पहले, उनकी एंट्री नहीं हो रही थी। तो उनके जब मैनेजर ने बात की, फिर लोगों ने उनको गाइड किया, उन्होंने एक जगह पर चैलेंज कर दिया पहलवानों को, आओ मेरे साथ जो लड़ेगा मैं 10 पाउंड 5 पाउंड उसको पर कुश्ती दूंगा। जुबिस्को को मारने से पहले को उन्होंने 100-200 पहलवानों से वहीं मौके पर कुश्तियाँ की, जो आता था उसको गिराते थे। फिर उन्होंने देखा कि बड़े सगीर एक मुसलमान पहलवान आया, फिर उसको जब जुबिस्को के साथ कुश्ती हुई तो वर्ल्ड चैम्पियन बन के आए थे। ये पूरे पाकिस्तान और बड़े सगीर के मुसलमानों की इज्जत है जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। मैं इसको रिकॉर्ड इसलिए करवा रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि ये बेल्ट जो है ये गामा पहलवान साहब को लंदन में उस वक्त मिली थी जब बड़े सगीर का नाम रोशन किया था और उनको रुस्तम ए ज़मां का टाइटल मिला था। ये आज उनके भतीजे भोलू पहलवान मरहूम के घर है और नासिर मामू के पास है ये। और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज वो हिस्ट्री बयान कर रहा हूँ कि जिसको काफ़ी लोग नहीं जानते, मगर जिन लोगों को कुश्ती से लगाव है, जो इसको समझते हैं, इस फन को, इस ताकत को, उनको पता है। मगर मैं नौजवान नस्ल को बताना चाहता हूँ कि हमारी हिस्ट्री में, हमारे ख़ानदान में, जिनका मैं दामाद भी हूँ, ऐसे ऐसे लोग गुजरे जो नामवर थे, जिन्होंने बड़े बड़े पहलवान लंदन में गिराए हैं। ठीक है।